सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। सिंगापुर दौरे पर थल सेनाध्यक्ष जनरल नवरणे क्रांति युद्ध स्मारक में द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। उत्तर और मध्य भारत में लू से राहत नहीं, अगले कुछ दिनों में पड़ेगी भीषण गर्मी। आकाश में उल्कापिंड गिरा या चीनी रॉकेट के टुकड़े, शनिवार शाम महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में दिखी रोशनी पर कयासों का दौर। दिल्ली एनसीआर में 1,00,000 से अधिक फ्लैट खाली, इन्हें बेचने में बिल्डरों को लगेंगे 6 साल। बीजेपी के वोट मतलब महंगाई, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का हल्ला। ट्विटर वेरीफाई करने के नाम पर महिला वकील का अकाउंट हैक, $500 की मांग, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, पिता के जाति के आधार पर ही वैध होगा बेटे का जाति प्रमाण पत्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, घाटी में जल्द लौट सकेंगे विस्थापित कश्मीरी पंडित। लड्डू से तौले गए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पुरानी पेंशन बहाल करने पर शिक्षकों ने जताया आभार। अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी के भतीजे के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। कांग्रेस को जल्द खाली करना पड़ेगा चौड़क के पूरी बंगला, जुर्माने के साथ चुकाना होगा 3,08,00,000 रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में वरिष्ठ नौकरशाहों ने कहा, कई राज्यों की लोक लुभावन योजना ठीक नहीं, श्रीलंका जैसा हो सकता है हश्र। पुणे पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का किया भंडाफोड़, 27,00,000 रुपए किए जब्त। अजवान के खिलाफ बजाया लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा, मनसे और शिवसेना के बीच सियासी जंग। सिहा बने गुजरात के गृह मंत्री, हर्ष शांघवी ब्रिज से आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला की बचाई जान। अलीगढ़ में हाईवे पर दुकानदार से लूट, हजारों का सामान लेकर फरार। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, भाजपा पार्षद के साथ युवकों ने की लूटपाट। अलीगढ़ में 10 अप्रैल को नववर्ष मेले का होगा आयोजन, कई प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर लाठी डंडों से की पिटाई, गर्भवती महिलाओं के साथ की छेड़छाड़।
अलीगढ़ के बाग में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में दानिश आजाद का बड़ा बयान, यूपी के मदरसे होंगे डिजिटल। बिजनौर में आगामी त्योहारों से पहले प्रशासन अलर्ट, जनपद में चलाया गया चेकिंग अभियान। बिजनौर में एबीवीपी का प्रांत अविदेशन कार्यक्रम संपन्न, शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम। कानपुर में चुनावी चर्चा में मारपीट, विजय कपूर ने की वृद्ध के साथ मारपीट। संबल में फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार, व्रत का खाना खाने से हुए बीमार। जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन में स्वतंत्र देव, बोले गांवों में रात्रि विश्राम कर योजनाएं पूरी कराए अफसर। योगी सरकार भी इसी माह दे सकते हैं 16 लाख राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, वित्त विभाग ने शुरू की तैयारी। धार्मिक नारा लगा गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला, हथियार छीनने का प्रयास, 2 सिपाही घायल। आजम खां के चहेते को नियम विरुद्ध दी गई थी रामपुर की वक्फ संपत्तियां, सिया वक्फ बोर्ड ने नवाब खानदान को लौटाई। व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपित के घर पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, एलडीए ने की कार्रवाई। सीतापुर में संदिग्ध हालत में युवक झुलसा ससुराल वालों पर, जलाने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरेली में सपा विधायक का विवादित बयान, उनके मुंह से गाली निकलेगी, हमारी बंदूक से गोलियां निकलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन, प्रतापगढ़ में नायब नाजिर की हत्या का आरोपित एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव ने लंबे। आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से शुरू किया प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते में 12वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली रोहतक पैसेंजर ट्रेन की कमान संभाल रही अलीगढ़ की बेटी ने पूरा किया घर से ट्रैक तक का सफर। अमरोहा में चटकी पटरी पर दौड़ पड़ी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर सलीम का गुर्गा छपवा रहा था जाली नोट, लखनऊ पुलिस ने दबोचा। शिवपाल यादव को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर सपा के खिलाफ बड़ा रणनीतिक दांव, चल रही सकती है भाजपा। स्वामी यति नरसिंहानंद का विवादित बयान, मुस्लिम पीएम बनने पर हिंदुओं का होगा मतांतरण।
चैत्र नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी के पूजन की मान्यता, ज्ञान व्यापी रेड जोन में है देवी का स्थान। मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी में इजाफा, जनपद के 13 लाख मजदूरों को मिलेगा लाभ। प्रतापगढ़ में नायब नाजिर के हत्या आरोपी तलालगंज के एसडीएम हुए निलंबित। मिशन भारत अकादमी की पहल, बाराबंकी के 11 बच्चों में तलाशा जाएगा भारत का भविष्य। लखनऊ के जेएनपीजी कॉलेज में नए सत्र के दाखिले की तैयारी, जल्द शुरू होंगे आवेदन। चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए रायवाला पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, वीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। विधानसभा चुनाव के भीतर घात चिन्हित, अब भाजपा कसेगी शिकंजा, प्रांतीय मुख्यालय को रिपोर्ट सौंप चुके हैं 9 जिलों के समीक्षक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चले चंपावत, कांग्रेस को मिली राहत, इतिहास फिर दोहरा न दिया जाएगा इसलिए भी घबराहट। डॉक्टर निधि उनियाल को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के संबंध का मामला दर्ज, हो सकते हैं दोनों पक्षों के बयान। चारधाम यात्रा मार्गों से जुड़े शहरों में पार्किंग पर ध्यान केंद्रित करेगी सरकार, शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। देहरादून की कमलप्रीत ने भरी सफलता की उड़ान, घर पर शुरू किया एलईडी बल्ब बनाने का कार्य, आज वार्षिक टर्नओवर 22 लाख। तीन लाख वर्ग किलोमीटर वनावरण पर जलवायु परिवर्तन का खतरा, क्षेत्रों में पड़ेगा खासा असर। भारतीय चीन युद्ध के दौरान खाली हुआ उत्तरकाशी का गांव उत्तराखंड। उत्तराखंड में गुलाब से आर्थिकी सवार रही महिलाएं, बाजार में 200 रुपए प्रति लीटर बिकता है गुलाब जल। देहरादून में 5 साल तक जमा करवाई आरडी की किस्त, बाद में कंपनी ने कई खाता धारकों के 7.25 लाख रुपए हड़पे। देहरादून में जमीन दिलाने के नाम पर ठगे 1.5 करोड़ रुपए। ऋषिकेश में इकलौते पुत्र को गोद में लेकर युवक कार सहित चीला शक्ति नहर में कूदा। शूटिंग पूरी कर मुंबई लौटे महानायक अमिताभ बच्चन, फिल्म गुडबाय की शूटिंग के लिए आए थे उत्तराखंड। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति भुवन भास्कर बने अध्यक्ष, पीडी पांडे को महामंत्री का जिम्मा। उत्तराखंड में 5 साल बाद हुई पीसीएस प्री परीक्षा, उत्साहित नजर आए अभ्यर्थी। श्रीलंका में हटा कर्फ्यू, लेकिन अब भी है इमरजेंसी के हालात।
शंघाई में बड़े स्तर पर शुरू हुआ कोविड टेस्ट अभियान, मदद के लिए उतारी सेना। रूस में गहरा रहा जरूरी दवाओं का संकट, यूक्रेन के खिलाफ जंग का है असर। केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में रहेंगे इमरान खान, राष्ट्रपति की तरफ से जारी हुआ नोटिफिकेशन। इमरान ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के अरमानों पर फेरा पानी, अस्थिरता बढ़ी तो हो सकता है तख्ता पलट। श्रीलंका में आर्थिक के साथ राजनीतिक अस्थिरता, पूरे मंत्रिमंडल ने पीएम को दिया इस्तीफा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कदम न उठाने की दी चेतावनी, कहा राष्ट्रपति और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे पीएम। इमरान खान की पार्टी के झंडे, नकाब पोश गुंडे लंदन में पार्क के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के ऑफिस पर फिर किए गए। ग्रैमी अवार्ड के मंच से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लगाई मदद की गुहार, दुनिया से मांगा समर्थन। इमरान खान के पीएम पद से हटते के बाद ही पत्नी बुशरा बीवी की सहेली ने छोड़ा पाकिस्तान, भ्रष्टाचार के हैं आरोप। वित्त वर्ष 2022-23 में 4.4% रह सकती है जीडीपी विकास दर, फिक्की का अनुमान। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मार्च में घटकर 54 पर आया, फरवरी में 54.9 था। विलय की घोषणा से एचडीएफसी और बैंक एचडीएफसी के शेयर बढ़े, शुरुआती कारोबारी में 12% तक का उछाल। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर का ऐलान, दोनों ने शेयरों में आया बड़ा उछाल। तेल की कीमतों को लेकर आई खुशखबरी, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर और डब्ल्यूटीआई क्रूड वादा में गिरावट। FICCI ने जारी किया भारत का जीडीपी अनुमान, चालू वित्त वर्ष में 7.4% विकास दर की उम्मीद। बेरोजगारी दर में आई गिरावट, मार्च के महीने में घटकर रही 7.6%। भारत ने एक्सपोर्ट का बनाया नया रिकॉर्ड, वित्त वर्ष 2021-2022 में 418 अरब डॉलर का निर्यात। LIC के जीवन शिरोमणि प्लान में करें निवेश, छोटी अवधि में मिलेगा 1 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड बेनिफिट। भारत ऑस्ट्रेलिया करार के मायने, कपड़ा आभूषण समेत 95% से अधिक भारतीय उत्पादों पर नहीं लगेगा शुल्क। करियर के आखिरी मैच से पहले बच्चों के साथ मैदान में आंसू पोंछते बाहर जाते दिखे दिग्गज टेलर। टायलर का न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड, आखिरी मैच में हुए महज 14 रन पर आउट।
चुनेगी लगातार हार के बाद अंक तालिका में हुआ बदलाव, टॉप पर राजस्थान की टीम। अगले मैच तक फिट हो जाएगा दिल्ली कैपिटल का तूफानी गेंदबाज रिकी पोंटिंग ने दी जानकारी। बल्लेबाज जोस बटलर का ऑरेंज कैंप पर है कब्जा, मुंबई के खिलाफ खेली थी शतकीय पारी। युवा ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टोन ने मचाया गेंद और बल्ले से धमाल की स्पेशल क्लब में एंट्री। करोड़ के गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने ढाया पहली गेंद से कहर, दिल्ली के जबड़े से छीनी जीत। आरसीबी की टीम में हुआ बदलाव, चोटी लवनीत सिसोदिया की जगह शामिल हुआ मध्य प्रदेश का खिलाड़ी रजत पाटीदार। गुजरात की लगातार दूसरी जीत के बाद पांड्या ने बताया गुजरात के पाले में आया दिल्ली के खिलाफ मैच। जीत की पटरी पर लौटी पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार तीसरी हार। कपिल शर्मा ने धूमधाम से मनाए 41वां जन्मदिन, पार्टी में खूब किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। एक खतरनाक एक्सीडेंट ने बदल दी थी अनु अग्रवाल की जिंदगी, एक्ट्रेस का बदल गया था पूरा लुक। जावेद ने एक्स बॉयफ्रेंड का नंबर फनी नाम से कर रखा है सेव, एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा। आलिया भट्ट के आरआरआर के बाद अब राजमौली के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मिलाया हाथ, महेश बाबू के साथ करती दिखेंगी रोमांस। रोड्रिगो बनी बेस्ट आर्टिंग, रेड कारपेट पर छाई लेडी गागा। कन्नड़ रनौत की जेल से रिहा हुई टीवी एक्ट्रेस निशा रावल। कर मुंबई लौटे कैटरीना कैफ और विकी कौशल, हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट पर आए नजर। हाई खुआई आमी गौतम का इंस्टाग्राम अकाउंट पोस्ट शेयर कर फैंस को किया आगाह। मिका सिंह ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोया आपा, राखी सावंत से जुड़ा सवाल पूछने पर रिपोर्टर को दी गालियां। रिकी केज और फालू शाह ने भारत का नया किया नाम किया रोशन, संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार किया अपने नाम। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।